मतदारों ने मुझसे जो विश्वास संपादन किया उसके आभार मानती हूँ मैं। और आपका नाम? कपिल म्हात्रे। मैं वार्ड क्रमांक 1 से चुन के आया हूँ। ये इलेक्शन में जो हमारी जीत हुई है ये पारदर्शिता के ऊपर हो गई है। हम लोगों ने 39 साल तक केडीगढ़ के अस्तित्व में यहाँ पे राज किया था। गए टाइम पे हमारी बदनामी करके वो लोग चुन के आए थे, लेकिन हमारे मतदारों को जो सच और झूठ का पता चल गया और इस बार हमें बहुमत से चुन के लाए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कुल मिला के 13 सदस्य है, उसमें से 11 सदस्य हम लोगों ने चुन के लाया है और हमारा सरपंच बहुमत से चुन के आया है। कलम की जीत में हम सब बहुत खुश है और पार्टी का काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। पहले तो मैं सभी का शुभेच्छा देना चाहता हूँ, क्योंकि कलम जो हमारे 13 सदस्य उम्मीदवार थे उसमें से 11 चुन के आए, ये तो सिर्फ शुरुआत है विकास कार्यों में। जो देश में नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, जो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने विकास किया है, वो वसई विरार में हम लोग विकास करेंगे। भाजपा के 11 उम्मीदवार यहाँ से जीत के आए, सरपंच जीत के आए, सभी को शुभेच्छा है। ये पूरी ताकत जो है सभी कार्यकर्ता की है, सभी का अभिनंदन करता हूँ। दो जगह पे हमारा सरपंच चुन के आए, उसके अलावा टिम्बी गोलापुर और अभी भी काउंटिंग चालू है। हमारी उम्मीद है कि और भी सरपंच यहाँ से चुन के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जब शुरुआत है, आने वाले महानगर पालिका में भी हम लोग इसी तरह से जीत हासिल करेंगे और सभी कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है। कुछ जगहों पर आपके हार भी हुई, जैसे रामगांव, गांव पूरी तरह से आपके हाथ से निकल गया, तो वहां क्या कमी रही होगी? कई जगह पे हार जीत एक गेम का खेल है, मतलब एक चुनाव में एक हारता है एक जीतता है तो चलते ही रहता है, पर जहाँ जहाँ हम लोग आ रहे हैं उसमें भी कई कम वोटों से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि आने वाले चुनाव में वहाँ पे भी जीत के आए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।